मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। लगातार 13वीं बार पेट्रोल की बड़ी कीमत के बाद भोपाल में पेट्रोल 114.09 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 103.40 रुपए प्रति लीटर। बढ़ती कीमतों को लेकर भोपाल की जनता ने सरकार से दाम कम करके आम जनता को राहत देने की मांग की है। ज्यादा जानकारी ली हमारे संवाददाता ने। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में 36 पैसे का इजाफा हुआ है और उसी के साथ कीमत अगर आप देखेंगे तो 114 रुपये के पार जा पहुंची है। देखिए, इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं डीजल भी कम नहीं है, आप देखिए 103.40 रुपये पर डीजल जा पहुँचा है। लगातार दाम बढ़ रहे हैं, जनता खासी परेशान है, सिर्फ और सिर्फ सरकार से यही मांग कर रही है कि दाम कम किए जाएँ। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपसे बात करें, 114 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है, 103 रुपये डीजल है, कितना असर अब आप लोगों पर पड़ा? बहुत असर पड़ रहा है सर। एवरेज गाड़ी लेना पड़ रही है, उसके चक्कर में दूसरी गाड़ी बेच बेच के हेवी गाड़ी से चक्कर में दिक्कत हो रही है। धंधा पानी वैसे ही नहीं है। इनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए, 114 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है, जेब खर्च पर कितना बजट आपका गड़बड़ा गया इससे? सर बहुत तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ में। तो ये पेट्रोल मतलब बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया, हर चीज़ में समस्या आ रही है उसमें। फील्ड वालों को तो ज़्यादा तकलीफ है पेट्रोल में। आप बताइए, 103 रुपये डीजल है, 114 रुपये पेट्रोल है, कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है, दिन पे दिन बढ़ते जा रही है पेट्रोल और डीजल। गाड़ी चलाए कि क्या करें, दिक्कत समस्याएँ बहुत हैं, ऊपर से इतनी महंगाई। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर लोग सिर्फ और सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर सरकार फिलहाल किसी भी तरह के मूड में नज़र नहीं आ रही है कि वो पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर आम आदमी को राहत दे। वीडियो न्यूज़ अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।